नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भगवान शिव को सावन का महीना आखिरकार कितना प्रिय होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस दौरान की गई शिव भक्ति बाबा के भक्तों के वारे न्यारे कर देती है। 6 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है और जो कि तकरीबन 29 दिनों तक रहेगा। और विशेष बात यह है कि कई वर्षों के बाद 36 शुभ योग के साथ सावन मास का प्रारंभ और समापन दोनों ही सोमवार को हो रहे हैं। और ऐसे में शिव भक्तों को किस प्रकार सावन के सोमवार व्रत रखने चाहिए, शिव की किस प्रकार की गई पूजा बाबा के भक्तों की किस्मत बदल सकती है, सावन के सोमवार में किन चीजों का परहेज करना चाहिए, ये तमाम चीजें जानने के लिए हमने बातचीत की आचार्य मयंक शर्मा जी से और उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं इस महीने सावन के बारे में, यानी कि सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और सावन का महीना 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। कैसा रहेगा सावन का महीना आपके लिए और भोलेनाथ इस बार सावन के महीने में क्या कृपा बरसाने वाले हैं अपने भक्तों के ऊपर, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको कि भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है सावन के मास में, क्या वो कुछ उपाय हैं जिनको करने से आपको भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो जाएगी और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं ना, उनका नाम ही भोले है, नाम ही भोले है, भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, ज़्यादा समय तक रूठते नहीं हैं और थोड़ी सी तप और तपस्या से उनको खुश किया जा सकता है। तो दर्शकों, बता दें कि 6 जुलाई से सावन मास यानी श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और शिव भक्तों के लिए क्या है कुछ खास इस महीने में, कैसे उनको प्रसन्न करें ये आपको बता देते हैं। तो हिंदू धर्म में सावन का जो महीना है बड़ा ही अत्यंत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से विशेष विधान है, विशेष लाभ मिलता है। अगर भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर नहीं है, आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, आपको मानसिक तनाव रहता है, डर लगता है, तो भोलेनाथ की उपासना करें, विशेष लाभ मिलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भोले शंकर का होता है, यानी कि भगवान शिव का आधिपत्य होता है सावन के महीने में। और इस महा ध्यान से सुनिए, भोलेनाथ की पूजा करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी काम रुके हुए हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक तनाव हो, सभी तरह से कष्टों से मुक्ति मिलती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे भोलेनाथ कहते हैं। इस बार सावन का महीना 6 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है और सावन का जो समापन होगा वो सावन का जो समापन होगा वो 3 अगस्त को होगा। और विशेष संयोग क्या बनने जा रहा है ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। देखिए, इस बार सावन का महीना सोमवार से ही शुरू हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त होगा, तो विशेष योग होगा, भोलेनाथ की असीम कृपा इस बार श्रावण मास में उनके भक्तों पर बनी रहेगी। आखिर ऐसा क्या संयोग है कि भोलेनाथ को इस श्रावण मास में पूजा जाता है? देखिए, धार्मिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तप किया था। जी हाँ, माता पार्वती ने कठोर तप किया था भोलेनाथ को पाने के लिए और इसलिए इस महीने का विशेष महत्व है। दर्शकों, मान्यता यह है कि श्रावण मास में जो भी मुराद मांगी जाती है भोले भंडारी उसको पूर्ण कर देते हैं, इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। और इस बार तो एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है, जैसे 6 जुलाई से ये योग शुरू होने जा रहा है, मैंने आपको पहले बताया, और शिव जी के प्रिय दिन सोमवार से इसकी शुरुआत होगी और समापन भी 3 अगस्त को सोमवार को ही होने वाला है। तो इसलिए इस बार सावन का ये महीना और भी विशेष हो गया है। इस महीने में किस तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करें, क्या वो मंत्र है, क्या पूजा पाठ है जिससे कि भोलेनाथ, भोले भंडारी, भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर असीम कृपा बरसती रहे और किसी तरह की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कष्ट कोई ना आए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा करता है उसके ऊपर अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, कोई बड़ा संकट उसके ऊपर नहीं आता है। अब श्रावण मास में कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करें, क्या करना चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाएं? देखिए, श्रावण मास में सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर, गेहूं के आटे, इन सब का प्रसाद बना लीजिए, उसका भोग लगाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और इसके साथ जितना ये प्रसाद लोगों को बांट देंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जैसे उदाहरण देता हूँ, आप 100 लोगों के लिए, 101 लोगों के लिए, 500 लोगों के लिए, 1000 लोगों के लिए या 10, 20, 50 लोगों के लिए ये प्रसाद बनाइए शक्कर, घी और गेहूं के आटे से, और ये जितना ज़्यादा बांट सकें
दर्शकों उतना ही आपको लाभ मिलेगा, मित्रों उतना ही आपको लाभ मिलेगा, जबरदस्त भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा वो कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से हमें मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से अगर आप 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बरकरार रहेगी, किसी तरह का कोई कष्ट परेशानी नहीं आएगा। इसके अलावा भगवान शंकर को क्या करना चाहिए, गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं, विशेष लाभ मिलेगा। उनको जलाभिषेक करें, उनको धतूरा चढ़ाएं, उनको बेलपत्र चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, तो भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से विशेष लाभ मिलता है, भगवान शंकर की असीम कृपा भक्तों के ऊपर बनी रहती है। और जो सबसे बड़ी आजकल एक समस्या है, विवाह का ना होना। माँ बाप बड़े चिंतित हो जाते हैं जब उनकी बिटिया की आयु 24-25 वर्ष क्रॉस कर जाती है या कहीं कहीं 30 वर्ष की हो जाती है, तो उनको ये चिंता लगी रहती है क्या हमारी बेटी की शादी होगी भी या नहीं होगी, क्यों नहीं विवाह हो पा रहे, आखिर कुंडली में वो कौन से अशुभ योग हैं, कुछ भी करा के देख लिया तब भी फायदा नहीं हो रहा है। तो आज हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं, ये अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी संतान का, आपकी बिटिया का बहुत ही शीघ्र विवाह होने का योग बनेगा। देखिए सावन का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है हर दृष्टिकोण से। धार्मिक मान्यताएं ये कह रही हैं कि इस माह में शिव शंभु की पूजा अर्चना करने से विवाह संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में शादी संबंधी परेशानियाँ अगर आ रही हों या वैवाहिक जीवन में तनाव कष्ट बना है तो भोलेनाथ को प्रसन्न करें और सावन के महीने में भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करा लेनी चाहिए। किसी विद्वान पंडित से अगर आप भी जानते हैं तो आप भी कर लेने तो बहुत लाभ मिलेगा। और शिव चालीसा का पाठ करें, शिव पुराण का पाठ करें तो विशेष आपको लाभ मिलता है दर्शकों। इससे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती और नंदी जी को गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन, उनको गंगा जल अर्पित करें, उसके बाद चंदन बेलपत्र धतूरा जो हमने पहले बताया, और अक्षत अर्पित करेंगे जिससे भोलेनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद भोलेनाथ को सफ़ेद रंग की मीठी वस्तु यानी कि मिश्री का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है या बर्फी चढ़ाएं तो भोलेनाथ विशेष प्रसन्न होंगे और आपकी सारी की सारी जो कहना चाहिए इच्छाएँ हैं, मनोकामना हैं, वो पूर्ण हो जाएगी। आपके बच्चे की विवाह का योग बन जाएगा, कन्या के विवाह का योग बन जाएगा, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। और काम कारोबार में अगर कोई दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो शिवलिंग पर नारियल चढ़ाएं जिससे विशेष लाभ मिलेगा। शहद चढ़ाएं सोमवार के दिन, वहीं पर 108 बार आप भोलेनाथ का जाप करें तो विशेष लाभ मिलेगा। और क्या बताया था, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों इस बार भोलेनाथ को प्रसन्न करने का मौका आने वाले कई वर्षों तक आपको नहीं मिलने वाला है। सोमवार से ही श्रावण मास शुरू हो रहा है 6 जुलाई से और 3 अगस्त को सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। तो भोलेनाथ की विधिवत पूर्वक पूजा करें, उनका लाभ उठाएं, उनका आशीर्वाद लें और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, ऐसी मेरी भी मंगल कामना रहेगी भोलेनाथ से, मेरे प्रभु से। तो दर्शकों हमने आपको बताया कि सावन मास का महत्व क्या है, कब से श्रावण मास स्टार्ट हो रहा है और क्या कुछ करें कि आपको श्रावण मास में पूजा करने से विशेष लाभ मिलेगा और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें फ़ोन करें। अगर आप किसी भी विषय पर कुछ जानकारी चाहते हैं, ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र या किसी भी संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उस पर एक कार्यक्रम बनाएंगे और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही, मुझे यानी कि आपके ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।